हाँ अच्छा क्या हुआ? अरे यार पानी कहाँ है आपका? हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग का टाइम है 8:30 एंड आज हम लोग जाने वाले हैं राम के स्कूल। आज राम का स्कूल में रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। अभी हम लोग रेडी हो चुके, मतलब अभी उठे हैं, जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, रेडी होंगे। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि उसका कोई रिजल्ट आ रहा है, मतलब पहली बार उसने कोई टेस्ट वगैरह दिया है। अब लेट्स सी उसका रिजल्ट का क्या होता है, कैसा होता है। हालांकि प्रिपरेशन तो सारी हमने कराई थी एग्जाम की, अब उसने क्या किया है वहाँ वो पता नहीं, अभी देखते हैं कहाँ। भाई साहब मेरी मैगी और इधर आलू उबल रहे हैं और यहाँ पर रेडी है, क्या बनाया, क्या लेके आए हो? हम तो लेके आए भाई यार गुड़ की जलेबी और भजिया। गुड़ की जलेबी और भजिया। गुड़ की जलेबी जलेबी ओवर नहीं हो गया भाई साहब? बहुत दिन से मुझे गुड़ की जलेबी खानी थी, आपने मुझे खिलाया नहीं। ओके अभी ये रहा है हमारे भजिया और इसके साथ में नम 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 नम। इसी सिलन क्या सिलाए हो? भाई साहब इस चटनी के तो क्या कहने। और अब कहाँ है गुड़ाई जलेबी? वाह वाह वाह, रुको मैं प्लेट में निकाल के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझसे वेट नहीं हुआ, मैंने आधी खा ली। ये है गुड़ की जलेबी, शक्कर वाली नहीं भाई साहब, गुड़ वाली है। उसके साथ में भजिया और ये रही सुल्लन की फेवरेट। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरा मॉर्निंग का फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है सचिन? जलेबी दही। जलेबी दही और आज वही है भाई साहब, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। और कल ये मेरे लिए कीनू भी लेके आए थे और ज्यादा दिल खुश कर देता। तुमको किस करने का मन कर रहा है? आप क्रिकेट करना, मैं ब्रश कर चुका हूँ, चिढ़ाता। अब चलो जल्दी से एंजॉय कर लेते हैं आज का मेरा फेवरेट नाश्ता और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग भी एंजॉय करो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। अगर आप बांधा के है ना भाई साहब, सिल्लन की एक बार चटनी को चाट के देखिए, चाटते ना रह जाए तो कहिएगा। मेरा फेवरेट, आई लव इट। कैसा लगा? हाँ अच्छा है, चटनी खाई कैसी है? हैं क्या बोले तुम? क्या नहीं अच्छी चटनी? तुम तो एक नंबर के मिठुआ पंडित हो। हाँ इनको कहाँ कुछ खाना है, तुतला रहे इतने बड़े हो गए फिर भी। ये दवाई दवाई पिलाने की टेक्निक हो रही है क्या? क्या हो गया बाबू? तुम्हें तो पानी मांगा है, पानी तो पिलाया तुमको। क्या लड़ाई क्या हो रही भाई? क्या बात हो गई, क्या बात हो गई भाई? पानी पी लो, पानी पी लो, दवाई पिला दिया इससे। अरे यार धोखा कर दिया आपके साथ में, धोखा कर दिया। तो ये धोखेबाज है क्या? अरे हरी बाबू वाले मुझे साफ करना पड़ता है, गिराना मत, गंदा नहीं करने का। फिर पानी हम तुमसे ले लेंगे, फिर पिलाएंगे नहीं कभी आपको हम इससे। एक मामले में बिल्कुल मुझे गया है ना। गिलास पी लो पूरा, बस ठीक। क्या किया तुमने? पानी पूरा पी गया वो, इतने चालाक हो तुम। हाय राम राम भैया, क्या हुआ? अरे यार पानी कहाँ है आपका? तो बन गई हमारी मैगी, कलरफुल ब्यूटीफुल टेस्टी। हाँ मैगी लेके आ रही हूँ, मैगी भी बन चुकी है, आलू भी मेरे उबल चुके हैं। मैं आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बनाने वाली हूँ, तो चलो पहले हम लोग मैगी खा लेते हैं। ये मेरा चम्मच है, ये रही आपकी मैगी। चलो मैगी खाओ, अपने स्पून से खाओ, स्मॉल वाले स्पून से खाओ, जल्दी से फिनिश करो। वाओ मजा आ रही है मम्मा, देखो दिखाओ मैजिक। अच्छा ऐसे करके खा रहे हो, वाओ गुड नाइस। कैसी बनी है ये? क्या है ये? क्या था? एक नंबर। कैसी बनी है भाई? अच्छी बनी है। अच्छी बनी है, मुंह तो दिखा दो अपनी, मुइयां तो दिखा दो यार, छोटी सी मुइयां तो दिखा दो यार।
ये है मिडिल क्लास फैमिली। कपड़ा जब तक पहन सकते हैं पहनेंगे, उसके पहले शादी के लिए कपड़ा आता है, फिर मार्केट के लिए बन जाता है, फिर उसका घर के लिए बन जाता है, फिर उसका पोछा बन जाता है। उसी तरह अगर वाइपर टूट जाता है तो उसका नया वाइपर नहीं लेंगे, इसको हम ऐसे ही काम चलाएंगे। और ये भी यहाँ से टूटा हुआ लेकिन अभी भी हम इससे काम चलाएंगे। जब तक ये पूरा खत के यहाँ नहीं, तब तक काम चलाएंगे। इससे हटो, ये मार देता है तुमसे, इसीलिए कहते बाहर मत जाया करो ऐसे बिना बताए। Hey guys, मेरा नाम अपेक्षा, और हम चप्पल लेने जा रहा था। क्या पीने जा रहे थे? चप्पल लेने जा रहा था। चप्पल लेने? चप्पल नहीं है दीदी। फिर मैं चप्पल लेने जा रहा था। क्या कह रहे हो? चिप्स लेने, चिप्स लेने जा रहे थे। पैसे थे आपके पास? तो बिना पैसे के कैसे खरीदने जा रहे थे वहाँ? आपको पता है ना वहाँ पे वो काव रहती है, मार देती है। गाइस को बताओ, गाइस आज मेरे स्कूल में पीटीएम है। गाइस आज मेरे स्कूल में पीटीएम है। और क्या होगा वहाँ पर? पढ़ाई। पढ़ाई नहीं होगी, आपका रिजल्ट आएगा, देखेंगे आज आपने बेटा क्या करा बात की है वहाँ एग्जाम में, है ना? हाँ, आज तुम्हारी देखेंगे। अगर फर्स्ट आओगे तो चॉकलेट मिलेगी, फर्स्ट आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको गाइस एक बात और बताना चाहेंगे कि आज राम भैया ने मेरे खुद से ब्रश किया है, मेरी बेटी बड़ी हो गई है। मैंने ब्रश किया था। आपने वहाँ से किया था? हाँ। मम्मा को बहुत प्यार करती है, मम्मा का बहुत ख्याल रखती है बेटी मेरी, बच्ची मेरी, है ना? वो लोग कह रहे हैं हाँ। हाँ, वो लोग कह रहे हैं हाँ। गाइस आप लोग कह रहे हो हाँ। स्कूल जा रहे हैं तो नहाएंगे हम लोग, ठीक है? अभी थोड़ी देर में, ठीक है? अभी कोई नहीं नहाता। हाँ, स्कूल नहीं जाते तो नहाते, स्कूल जाते तो नहाते नहीं है। नहीं भाई, नहाना तो पड़ेगा, बिना नहाए स्कूल थोड़ी जाओगे। बिना नहाए स्कूल जाओगे क्यों? नहाने में तुम्हें दिक्कत क्या है? ऑलराइट गाइस, तो अभी हो चुके हैं मैं रेडी। एंड एक तो ठंड में नहाना, ऊपर से बाल धो के नहाना, मतलब जहर वाला काम लगता है मुझे एकदम। तो अभी हेयर वॉश किया है, बाल बिल्कुल भी सूखे नहीं हैं। लुक एट दिस पिंपल। एंड बाय द वे गाइस, मैंने मैक की लिपस्टिक लगाई हुई है। अगर आप लोगों को इसका वीडियो देखना है तो बताना, मैं आप लोगों के साथ में इसका रिव्यू शेयर करूंगी। एंड मैक की मैंने स्ट्रोक क्रीम भी लगाई हुई है, थोड़ा सा आपको ग्लो दिख रहा है। मैंने कोई भी बेस मेकअप नहीं किया, सिर्फ स्ट्रोक क्रीम एंड लिपस्टिक, दैट्स इट बस, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मेकअप करने का मूड नहीं है और बाल मेरे पूरे ही गीले हैं। अभी स्कूल जाऊँगी, स्कूल के बाद जब पार्लर जाऊँगी तब फिर जाकर ड्रायर करने वाली हूँ। तो अभी चलो देखते हैं ये महाशय क्या कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा देखो घुसा हुआ अंदर, देखो चलो नहीं है, चलो जल्दी चलो, कम ऑन, उठो उठो उठो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ, यू डोंट गो, चलो जल्दी चलो। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग। आई एम यस स्कूल गो। ओके, जल्दी उठो उठो उठो, जल्दी चलो। हाय, मैं हूं, मम्मा को दिखाओ यहां। हाय गाइस, चलो पीछे उधर जाओ, नीचे उतरो, जाओ नीचे उतरो। हाय, तेरे हाय गाइस, राम भैया व्लॉगिंग कर रहा है, पता नहीं उसने ऑन किया भी है कि नहीं किया है। ऑल राइट गाइज, तो अभी हम लोग राम के स्कूल पहुंच चुके हैं एंड ये है उनका रिजल्ट एंड आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। मेरे को ये नहीं है कि वो फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, बस उसका ग्रोथ होना चाहिए, उतना ही मुझे चाहिए। मुझे मार्क्स से कोई भी ऐसा मतलब नहीं है, बस उसका नॉलेज बढ़ना चाहिए। सो आपको राम का रिजल्ट कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा शूट कर लिया ताकि आप लोगों को भी दिखा दूं मैं, हालांकि स्कूल में मैं कंफर्टेबल नहीं थी, बट फिर मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए शूट कर लिया है और काफ़ी ठीक ठाक मार्क्स आए हैं उनके। अब उनको ड्राइंग में बहुत कम है, वो एक्टिव बहुत, उनको ड्राइंग में उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो सबसे कम मार्क्स उसी में थे। फिर ये कुछ एक एक्टिविटी हुई थी क्रिसमस डे पे, उस पे भी उन्होंने ये क्रिसमस ट्री बनाया था। ये देखिए प्रत्यक्ष पांडे का क्रिसमस ट्री, तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये राम ने बनाया, बिकॉज वो इतना है नहीं क्रिएट। तो बड़ा अच्छा किया है अपने, उसमें
एग्जाम में है आज स्कूल की छुट्टी हो गई है, हम लोग जा रहे हैं घर। हाँ अच्छा, चलो 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 चलो। जब बेटा होगा फिर आपने मम्मा ना, तुमने दो दो क्यों ले ली? दो दो अच्छा लगता है, पैसे देने में हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन कितना हुआ भैया इसका? पैसे तो दे दो, पैसे तो दो। हाँ अरे तुम पैसे दो उनको, उनसे क्या मांग रहे हो? ये बढ़िया सामान भी लो, पैसे भी उन्हीं से लो। ऑलराइट गाइस, तो अभी हूँ मैं घर पे और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं की, मैं सीधे ही पार्लर चली गई थी, तो वहाँ बहुत सारा काम था, इस वजह से मैं व्लॉगिंग करना भूल गई। फिर मैं जब अभी एडिटिंग करने बैठी तब मैंने देखा कि इसका मैंने एंड नहीं किया इस व्लॉग का। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आएगा। गाइज मैं व्लॉग भी आप लोगों के साथ पे शेयर करती रहूँगी और मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो सैलून से रिलेटेड, पार्लर से रिलेटेड है, वो भी शेयर करती रहूँगी। तो इस चैनल पे भी ये दोनों चीज़ें आएंगी, तो थोड़ा सा अलग भी होगा। सो अब ये व्लॉग का यही एंड करती हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, जो कि सचिप्रा ब्राइडल मेकओवर्स, जो कि मेरे पार्लर का भी नाम है, उसके नाम से है। तो अगर आप मेरे डेली वर्क से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे वहाँ जरूर फॉलो करिएगा। तो चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय एंड टेक केयर ऑल्सो, बाय गाइस।